पे वो सब छोड़ के बता, पतंगबाजी कैसे चल रही है? वही उड़ा रहा है कोई? हाँ हाँ यार, बात तो सही है, उसका मजा ही अलग है यार। नहीं, अपनी किस्मत कहाँ है यार, कहाँ। नहीं अच्छा, तो मिल फिर बताता हूँ। अबे यार समझा करना यार। अच्छा ठीक है, तो परसों आ रहा है ना? ठीक है ठीक है। हाँ भाई, ये मुलाकात तो बच्चों के ही नाम, या लेट अस होप सो। आई एम ऑल्सो कीपिंग फिंगर्स क्रॉस्ड। ठीक है, ओके, चल आज मिलते, फिर बात करते हैं। ओके, बाय बाय। ये उनका दूसरा मुकाबला है, पहली गेंद उनके लिए। ऑफ स्टंप की लाइन पर आगे आते हुए उसको खिलाड़ियों को प्रयोग के साथ मोड़ दिया। मिड ऑन की ओर सिंगल लेकर खाता खोला तुरंत दीदार मिचेल ने, पिछले मुकाबले में मात्र 8 रन बनाए थे, पर जिस तरीके से वो खेल रहे थे, कॉन्फिडेंस दर्शा रहे थे, तो आठ में सिर्फ 8 ही रन निकले। आज मौका है उनके पास, क्योंकि काफी ओवर पड़े हैं। इस ओवर के बाद भी 14 ओवर है और उनके साथ दूसरे छोर पर उनके कप्तान गेंद आ जाओ। एंड हु बेटर टू बैट विद विलियम्स। ये देखिए, 8 रन बनाए थे, 6 गेंदों का सामना किया, एक विकेट भी लिया था। संजीव सुन लिया, 2 मिनट रुक नहीं सकते क्या? डेरिल मिचेल ने काम किया, लेकिन यहाँ जैसे कई बार मौका मिलता है, जैसे शुभमन गिल को मौका मिला था शुरुआत। नैना को भी बोल दो। आ जाओ, खाना लग गया है। रोटी देना। नैना डाल लो ना। मुंह मीठा करो। मैंने उन वर्ली वालों को हाँ कर दी है, फोन पे फोन किए जा रहे थे। प्रोफाइल से तो ठीक ही लग रहा है। हाँ परसों एक बार मिल लेंगे, वो भी कब तक वेट करते। जब मैंने तुम्हें मना किया था तो क्या जरूरत थी मैसेज करने की? तो और क्या करती? हाँ वो तो 2 दिन से मुंह सुजा के बैठी है, करने दो उसे मनमानी। अरे तो क्या मैं चाहता हूँ कि वो मुझसे जाके बैठे? मैंने कहा था तुम्हें कि राकेश से बात कर रहा हूँ, रुक जाओ 1-2 दिन। उसका इस बात से क्या लेना देना? कैसे नहीं है लेना देना, मैं उसे रिश्ते की बात कर रहा हूँ, वरुण के बारे में। अब वरुण बीच में कहां से आ गया? क्यों नहीं आएगा? उस दिन जब बात हो रही थी तुमने कहा था पूरी फैमिली को बुला लो खाने पे। हाँ वो तो क्योंकि आपने कहा कि उसका बेटा आया हुआ है, तो मैंने कहा कि अगली बार पूरी फैमिली को बुला देना। अब उसका इस बात से क्या लेना अरे देना? बाबा, वही पूरी फैमिली आ रही है ना परसों, आपने बताया मुझे? इसमें बताने का क्या है? वैसे तो सब सुनती रहती हो तुम। मेरे पास और कोई काम नहीं है ना, बस आपकी बातें सुनूं। ये जो तुम जानबूझ के अनजान बनने का नाटक करती हो ना, सब समझ में आता मुझे। अच्छा ठीक है, आ रहे हैं तो कौन सी बड़ी आफत हो गई। हाँ इनसे दोपहर को मिल लेंगे। अपनी बात मनवाने के लिए ना घटिया हरकतें करना बंद करो तुम। इसमें घटिया क्या है संजीव? नॉनसेंस, बस तुम्हें लगता है सब बातें तुम्हारी मानी जाएगी इस घर में। जैसे मेरी बहुत बातें मानी जाती है इस घर में। हाँ। सब कुछ तो आपके हिसाब से होता है।
अच्छा रिश्ता है इसलिए बोल रही हूँ। और अगर लोग जेन्युइनली पसंद आ गए तो इसमें कोई बुराई थोड़ी है। हाँ संजीव, अरे आई फॉरगॉट टू टेल यू, आई गॉट योर रिसीट। आई डोंट नो व्हाई, मुझे ऐसा लगा था कि ये अगले महीने से स्टार्ट होना है। मेक सेंस। चलिए, यू डोंट हैव टू थैंक मी। दैट्स अमीर, यू बेटर गेट योर शिट टुगेदर नाउ मैन। नो No, I'm serious. अरे समीर, I get that. I also understand. अरे but I'm not saying that we should get married tomorrow. All I'm saying, समीर, I get it. I'm just done here, okay? Every single day, even if it is not about us, they just always want to fight. I can't deal with this anymore. अरे स्पीक अबाउट वॉट एंड टू होम, दे जस्ट ऑलवेज वॉन्ट टू लेक्चर। आई एम फ्राइड आउट ऑफ माई माइंड ओवर योर। Somebody शुड वॉन्ट टू लिसन टू मी ऑल्सो ना। नो आई कांट। लुक, यू डोंट हैव टू डील विद दिस ऑन द डेली। आई डू, दिस इज नॉट योर लाइफ। यू प्रॉब्ली डोंट अंडरस्टैंड दिस। योर पेरेंट्स आर चिल, माइंड आंट। क्या बोलूं यार, I just want to run away somewhere, like just get away from all of this. It is so fucking frustrating. I can't. One sec. Hold. What? ये तुम्हारा बाहर रह गया था। तुम्हें बात करनी है या नहीं? किस बारे में? घर में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? आपको जिस बारे में बात करनी है मुझे नहीं करनी है ना। क्यों बात बढ़ा रही है नैना? मैंने शुरू किया था, मैं बात बढ़ा रही हूँ। ये सब ना आप लोगों के लिए यूजबल होगा, मेरे लिए बिल्कुल। ठीक है, बस कर, मुझ में और हिम्मत नहीं है लड़ने की। प्लीज, आई एम सॉरी। खुश? तीन ही तो लोग हैं घर में, हम भी लड़के बैठ जाए। अच्छा ठीक है, उस दिन गुस्से में चिल्ला दिया हम सबने, सब बोल देते हैं ना। कौन से माँ बाप अपनी बेटी की शादी नहीं करना चाहेंगे? तू बता, 27 साल की हो गई है, अब सब लोग मुझे पूछने लगे क्या हो रहा है, सब ठीक है ना? मैं क्या बोलूं? तुझे लगता है कि हम कभी तेरा बुरा सोचेंगे? तो फिर क्यों ऐसे करती है नैनू? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उस दिन हम जनरली बात कर रहे थे तो मैंने तुझे वो प्रोफाइल लिखा दी। मैं तुझे फोर्स नहीं कर रही हूं, लेकिन एक बार मेरी खातिर देख तो ले। हमारी बिरादरी के अच्छे खानदानी लोग हैं, इकलौता बेटा है, वर्ली में रहते हैं। यूं ही थोड़ी ना मैं तुझे कहीं भी भेज दूंगी। हाँ, तुझे सुखी देखना चाहती हूँ ना। वो अच्छी कंपनी में काम कर रहा है और कंपनी से बहुत बाहर आना जाना रहता है। तुझे तो ट्रैवल का इतना शौक है, तुम दोनों बस ट्रैवल करते रहना। और बच्चे तो ना इन लॉज के साथ संभल जाते हैं, इन लॉज भी बहुत अच्छे हैं। हद होती है यार, we've had this conversation over 100 times and I've told you I'm not interested in any of your boys, then why the fuck do you not get it? और चिल्ला,
सारे नेबर्स में ढिंढोरा पीट। हाँ तो बोलूंगी, आपको आपको हमेशा दूसरों की पड़े रहती है। When I told you that I'm already with someone, then why the fuck do you not get it? हर रोज एक ही बात का इशू कैसे बना लेते हो? आप शोर मचा रखा है यार तुम लोगों ने। क्या है यार आप दोनों को इरिटेट करके रखा हुआ है, वापस आके दोबारा शुरू हो गई है। क्या शुरू हो गई? मैं सॉरी कहने आई थी ना। मम्मी झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो, आप फिर से वही पुरानी बातें शुरू करने आए थे। तुम्हें भी चैन नहीं है ना? जो बकवास वहां करी थी वही यहां शुरू कर दी तुमने। क्या बकवास की मैंने? किसी को तो बोलना पड़ेगा ना कि क्या हम सब ऐसे चुप बैठे रहे। लड़का देख ले, वो लड़का देख ले, लोग क्या पूछेंगे यार। मुझे लोगों की नहीं पड़ी है, आपको लोगों की इतनी पड़ी है तो जाकर बोल दो ना कि शी इज डेटिंग समवन। मैं तो नहीं छुपाती किसी से। तो सुन लो, अब बड़ा सोच रहे थे ना कि भूल जाएगी उस लड़के को, ये समय के चक्कर में पागल हो गई है। समय नहीं हुआ, हमारे घर में बवाल हो गई, पूरा वक्त बस सबके साथ लड़ने को तैयार, कोई इससे ढंग से बात भी नहीं कर सकता है। पता नहीं कहां से ये एक्टर मिल गया। Ask her to shut up and stop talking rubbish. क्यों मैं shut up हूं? उसकी फैमिली और हमारी फैमिली में क्या सिमिलैरिटी है? हमने डिसाइड किया था हम इसके बारे में बिल्कुल बात नहीं करेंगे। ना कोई इनकम, ना कोई बैकअप, अरे कम से कम शक्ल ही अच्छी होती है कुछ। मुझे उसकी शक्ल पसंद है, मुझे नहीं फर्क पड़ता कि उसका कोई बैकअप है या नहीं है। मैं कमाती हूँ ना, आई टेक केयर ऑफ द बोथ ऑफ अस। मेरी लाइफ की प्रायोरिटीज आप लोगों जैसी नहीं है। संजीव अब आप कहाँ जा रहे हैं? कुछ तो बोलो, हमेशा मैं ही बोलती रहूं और मैं ही बुरी बनूं। क्या बोलूं, कुछ बोलने लायक छोड़ा इसने? अपनी प्रायोरिटीज बता दी ना, उसे क्या करना उसने फिक्स कर लिया, तो क्या करें हम? रहने दो उसे। हाँ, इतनी आसानी से मान जाना था तो उस दिन इतना ड्रामा क्यों किया? तभी हाँ बोल देते थे। और वो राकेश को बुलाने की क्या जरूरत है, उसे भी मना कर दो। बताया आपने इसे वरुण के बारे में? तो ठीक है ना, कर दूंगा मना, नहीं जरूरत है किसी से मिलने की। But after today, I don't want to ever discuss marriage in this house again. You keep sitting at home as long as you want. Yeah. I have no issues. Yeah, this is the real adult, mature thing to do. हाँ कि issues तो resolve करने ही नहीं है। इसका क्या है? ये तो वैसे भी उस दिन से मुंह सुजा के बैठे हुए हैं। इसके life decisions तो हम ले लेंगे क्योंकि we both lead by example. Don't talk nonsense. Understand? दो दिन बाहर रहोगे अकल ठिकाने आ जाएगी। देखता हूँ कितनी शक्ल पसंद आती है एक दूसरे की। अभी देखा है क्या तूने लाइफ में? हाँ, सारी जिंदगी तो आप ही ने देखी है। नैना बस कर, कुछ भी मत बोल। डोंट शो मी एटीट्यूड, ओके? बढ़िया है, हमें प्रायोरिटीज बताने वाली। हमें पता तुम कैसे पली बढ़ी हो। यू गॉट द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग, whether you could afford it or not. Even now I'm trying to get you the best, लेकिन नहीं, तुम्हें फांड चाहिए। I'm telling you, listen carefully to me. देखना मतलब निकलते ही ना दो नहीं छोड़ के निकल लेगा, रोती रहना जिंदगी भर यहाँ पर। This is your problem. You're always judgmental. आपने कभी एक बार भी सोचा है कि मुझे क्या चाहिए? पूछा है आपने? बेस्ट ऑफ एवरीथिंग, हमेशा बेस्ट ऑफ एवरीथिंग सब कुछ ही होता है। ओके, ठीक है, थिंक व्हाटएवर यू वांट टू, बट वन थिंग इज क्लियर, आई विल नॉट हैव यू मैरिड टू दैट बॉय, एंड दैट्स फाइनल। एंड गेट मी मैरिड टू सम रैंडम बॉय एंड स्पॉइल माय लाइफ जस्ट द वे द टू ऑफ यू स्पॉइल्ड योर लाइव्स। शट अप नैना, कुछ भी मत बोला। क्या गलत बोला मैंने? कोई तमीज है तुम्हें? ऐसे बात करते हो तुम हमारे साथ? पे सच बोल दो तो सबको प्रॉब्लम होती है। बहुत बड़ी बनने की कोशिश मत कर, ठीक है ना? तुझे कुछ नहीं मालूम कि प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं कर सकते, और से मेरे लिए और बढ़ा दो आप लोग। ओके, दिस इज व्हाट यू थिंक अबाउट अस, हां? वी आर गेटिंग प्रॉब्लम इन योर लाइफ, ठीक है? तुम जियो अपनी जिंदगी जैसे तुम्हें जीनी है, पैसे कमाओ, उस लड़के को पालो, बट वन थिंग इज क्लियर, जस्ट कीप इट इन योर माइंड दैट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई हैव नथिंग टू डू विद यू। संजीव अब आप कुछ भी मत बोलो। निकलने दो ना उसे जो करना चाहती है। अगर उसे लगता है कि वो अकेले रह लेगी, उसको पाल पोस लेगी, तो I want to know कि why she's wasting your time here. She should leave now. आपको बोलने की जरूरत नहीं है। I'm anyway going. Very good. जाओ, जाओ, leave, leave, क्या कर रहे हो तुम दोनों? हाँ पागल हो गए हो क्या? आपने कुछ भी बोले और तू कहाँ जा रही है? हेलो, हाँ? कुछ भी बोले जा रहे हो तुम लोग, और आप बस ऐसे ही सबको अल्टीमेटम देना शुरू कर दो। मैं किसको दिया अल्टीमेटम मैंने? और नहीं तो क्या, कौन अपनी बेटी को बोलता है घर से बाहर निकल जाओ? किसको निकाला मैंने? वो खुद जाना चाह रही है, देखा नहीं क्या तुमने? अगर तुम्हें उसके साथ जाना तो तुम भी जाओ, मैं रोकने वाला नहीं। आई एम नॉट गोइंग टू स्टॉप एनीवन। साला रोज सोच का ये ड्रामा तो बंद होगा। संजीव रुको, संजीव रुको,
हर बार अपनी बात कहकर ऐसे नहीं निकल सकते, आपको बात करनी पड़ेगी। अरे क्या बात करो यार, कुछ बचा है हमारे बीच बात करने को? हाँ, मुझे छोड़कर तो सबसे बात करने को है ना आपके पास। 28 साल यूं ही गुजर गए। एग्जैक्टली 28 साल से तुम्हें सुनता आ रहा हूं, अब और नहीं सुन सकता। सुनना पड़ेगा, दो दिन मैं इस घर में नहीं रहूंगी ना तो दिमाग ठिकाने आ जाएगा। ये गलत फहमी निकाल दो अपने दिमाग से, तुम्हारे चले जाने से घर नहीं चलेगा। आप घर चलाओगे? एक प्लेट तो उठा नहीं सकते, बस ऑर्डर देना आता है आपको। तुम कर लोगे मेरा काम, कमा पाओगे जितना मैं कमाता हूँ? अरे ये मत सोचो कि मुझे फिक्र नहीं है घर की। क्या फिक्र है आपको? कभी पूछा है मुझे आशा सब ठीक है? अरे इसीलिए तो मैं ही पूछता हूँ, क्योंकि तुम्हारे हिसाब से घर में कुछ ठीक है ही नहीं। और अगर फिक्र नहीं होती ना तो नैना के लिए लड़का नहीं ढूंढ रहा था। लड़का? वाह क्या लड़का ढूंढा है आपने, उसे भी अपने बाप की तरह इधर उधर मुंह ही मारना है। ऐसे घर में अपनी बेटी की शादी कराने से तो बेटर है कि वो जिंदगी भर घर में बैठी रहे। आशा तुम्हारी सोच ना बहुत छोटी है यार, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा, उड़ती रहोगी जिंदगी भर ऐसे ही। हाँ, मेरी सोच बहुत छोटी है, मेरी तो मत मारी गई थी जो मैंने आपसे शादी करी। You are a thankless and selfish woman. Wow. संजीव मल्होत्रा, मैं selfish हूँ, मैं thankless हूँ। हाँ क्या? Look at yourself, तमाशा बना रखा तुमने। अरे मेरी किस्मत खराब थी, पता नहीं क्या देख के तुमसे शादी की, पूरी लाइफ कॉम्प्रोमाइज में निकल गया। कॉम्प्रोमाइज? कॉम्प्रोमाइज की जिंदगी तो मैं जी रही हूँ, नौकरानी बनाकर रख दिया है मुझे, यहां तक कि उस राकेश को मुझे ही टॉलरेट करना पड़ता है। हाँ तो करना पड़ेगा, आगे भी करना पड़ेगा। एंड लिसन, अब ये फिर से विक्टिम वाला ड्रामा मुझसे मत खेलना पता। मैं विक्टिम वाला ड्रामा कर रही हूँ संजीव? उस दिन आपकी जगह कोई और होता ना तो राकेश इस घर में दोबारा कभी नहीं। आई विश सो कि कोई और भी वहां होता तो आज भी हम ये बहस नहीं कर रहे होते। तुमने एक नॉर्मल सी बात को ना एबनॉर्मल बना देते, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। इधर उधर हाथ लगाना आपके लिए नॉर्मल होगा, आपके दोस्त के लिए नॉर्मल होगा, मेरे लिए नहीं। अरे यार मैंने बताया स्कूल टाइम से ऐसा थोड़ा एक्स्ट्रोवर्ट है, खुले दिल का है, गर्मजोशी से सबसे मिलता है। अगर उसका ये नेचर तुम्हें पसंद नहीं आ रहा है दैट डजंट मीन कि यू ऑलवेज पुट हिम डाउन। और आप हमेशा उसे ही सपोर्ट करोगे? जस्ट डोंट बिलीव मी। क्या मुझे नहीं पता राकेश कैसा है? मुझे नहीं पता आप दोनों क्या क्या बातें करते हो। कैसे कैसे बातें होती है? क्या बातें होती है? अरे दोस्त है, कुछ भी बातें हो सकती है। अरे ऐसा क्या सुन लिया तुमने? लिसन, अगर तुम ये चाह रही हो कि तुम्हारी मनगढ़ंत कहानी सुन के मैं अपने 40 साल की दोस्ती तोड़ दूं तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आई एम टेलिंग यू, जस्ट कीप योर हेड। आई एम टायर्ड ऑफ दिस यार, हर दूसरे दिन वही बहस, खर्च हो गया हूं मैं, कितना भी कर लो तुम्हारे लिए सब कम पड़ता। एक्चुअली मैं बताऊं अपना, मुझे तुम्हारे लिए कुछ करने का मन भी नहीं होता। एक झूठ को 10 बार बोलने से वो झूठ सच नहीं हो जाता है। यू डोंट इवन रियलाइज कि तुम्हारी वजह से कितने रिश्ते में दरारें आ गई हैं। दोस्तों ने हमारे यहाँ आना छोड़ दिया है, ना खुद आते ना हमें बुलाते हैं। क्यों पता है? दे आर स्केयर्ड ऑफ यू, कि मिसेस संजीव को पता नहीं उनकी कौन सी बात बुरी लग जाएगी, बात का पतंगड़ बन जाएगा। अरे हेल विथ यू यार, सबको थोड़ी से शांति चाहिए। तुम अपनी सोच बदलो यार किसी तरह से। ये जो तुम बात का पतंगड़ बना के उसमें झूठ का तड़का लगा के सबको परोसती हो ना, इसे सब लोग वाकिफ हैं, सबको पता है। तुम्हारी हर बात झूठ लगती है। और सच में अगर तुम्हारे साथ ऐसा कभी कुछ हो गया और तुम आके मुझे बोलोगे कि तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है तो मुझे लगेगा तुम झूठ बोल रही हो।